वहीं दूसरे सबसे धनी व्यक्ति छत्रपति संभाजी राजे एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल लेखक भी थे। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने विश्व स्तरीय पुस्तक बुधभूषण की रचना की। इस किताब को अमरावती से अजय लेंडे ने फिर से लिखा है। 124 किलो वजनी किताब आज सुबह बुलडाना जिले के खामगांव पहुंची। ग्रंथ यात्रा खामगांव शहर के बाहर बाईपास पर पहुंची तो इस स्थान पर ग्रंथ सेवा संघ का जोरदार स्वागत हुआ। बुद्धभूषण किताब को अमरावती से अजय लेंडे ने फिर से लिखा है। इस संदर्भ में खामगांव शहर के मुख्य मार्ग पर जुलूस निकाला गया। शिव प्रेमियों ने विभिन्न स्थानों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी पुस्तक का अवलोकन किया और उसका स्वागत किया। लगभग सभी इतिहासकारों ने छत्रपति संभाजी को दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक बताया है। संभाजी राजे दुनिया की कई भाषाओं के जानकार थे। वे संस्कृत के भी बड़े विद्वान थे। उन्होंने राजनीति और दर्शन पर आधारित बुद्धभूषण ग्रंथ लिखा। एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक राजा को अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किलों की व्यवस्था, अधिकारियों के कर्तव्य और जीवन पर भाष्य पर बुद्धभूषण ग्रंथ एक दुर्लभ पुस्तक है, क्योंकि देश की पहचान छत्रपति ने अपने लेखन में लिखी थी, इसलिए यह आस्था और सम्मान का विषय बन गया है। छत्रपति संभाजी महाराज जयंती उत्सव समिति अमरावती ने बिना भूत या भविष्य के 489 कलमों का उपयोग करके 124 किलो वजन में यह पुस्तक तैयार की है, जो 3 फीट चौड़ी और 5 फीट लंबी है। उस अवसर पर अमरावती से सिंदखेड़ राजा तक बुद्धभूषणम ग्रंथ सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया था। छत्रपति संभाजी महाराजांनी वयाच्या 14व्या वर्षी श्री बुद्धभूषणम हा संस्कृत ग्रंथ लिहिला होता। हा संस्कृत मधील लिहिलेला बुद्धभूषणम हा राजनीतिक ग्रंथ आहे आणि ग्रामीण भागातल्या तरुणांना संभाजी महाराजांचं जेव्हा साहित्य समजलं, संभाजी महाराजांचं शौर्य समजलं, त्यामुळे बुद्धभूषण या ग्रंथाचं प्रचंड आकर्षण तरुणांमध्ये निर्माण झालं। परंतु मूळ बुद्धभूषण हा ग्रंथ नष्ट झाल्यामुळं हा ग्रंथ कुठेही पाहायला उपलब्ध नव्हता, म्हणून मी या ग्रंथाची पुनर्लेखन करून निर्मिती केली। हा ग्रंथ 3 फूट रुंद, 5 फूट लांब, याचं वजन तब्बल 124 किलो आहे आणि हा भारतातला सर्वात मोठा ग्रंथ मी निर्माण केलेला आहे। आणि हा ग्रंथ यापुढे जिजाऊ सृष्टी शिंदखेड राजा येथे सर्व शंभूप्रेमींना पाहायला उपलब्ध राहील। आणि जो मूळ ग्रंथ आपण निर्माण केले नसल्यामुळे हा ग्रंथ मूळ ऐतिहासिक स्वरूपातच निर्माण केलेला आहे। संभाजी महाराजांच्या काळात ज्या पद्धतीचा कागद आवश्यक होता त्या पद्धतीचा कागद आपण विशेष तयार करून घेतला, त्याच्यावर विशेष शाईनं 489 पेन वापरून याच्यावर हस्तलेखन केलेलं आहे आणि हा ग्रंथ आता शंभूप्रेमींना पाहण्यास उपलब्ध राहिलेला आहे। धन्यवाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।